स्टार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में आपको दिखाएंगे हम फुल साइज का बेडरूम जिसमें हमने एक वार्डरोब कबर्ड ड्रेसिंग और एक बेड तैयार किया हुआ है। तो चलते हैं वीडियो में। और आज तो आप देख रहे हैं कि जैसे हमने ये यहाँ पर ड्रेसिंग सेट किया हुआ है, उसके अंदर आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर नीचे इसमें तीन ड्रॉवर ये सेट की हुई है। ये ड्रॉवर की साइज आपको बता दूँ मैं, 6 इंच की हमने ये ड्रॉवर की साइज रखी हुई है, आप देख रहे हैं जैसे। और इसी में उसके साथ हमने यहाँ पर ये स्टूल सेट किया हुआ है ड्रेसिंग पे मेकअप करने के हिसाब से। और उसी के साथ आप ये ड्रेसिंग का डिज़ाइन देख रहे हैं, इसमें हमने ये 2 फिट बाई 5 फिट का मिरर सेट किया। उसी के साथ हमने इसमें ये वाइट PVC माइका का डिज़ाइन सेटअप किया है। इसमें हमने लाइटिंग सेट की हुई है, छोटे छोटे सेल्फ दिए हुए हैं आप देख सक रहे हैं इसमें। और चलो अब आपको मैं कबर्ड के अंदर के यानी अपने स्लाइडिंग वार्डरोब के अंदर का डिज़ाइन दिखाता हूँ कि हमने इसके अंदर किस हिसाब से डिज़ाइन सेट किया हुआ है। तो गाइस आप देख रहे हैं जैसे हमने यहाँ पर ऊपर ये इसमें 1 फिट का बॉक्स बनाया हुआ है, 1 फिट बाई 4 फिट का ये बॉक्स है। उसी के साथ हमने यहाँ पर ये हैंगर रोड भी इसमें सेट की हुई है। उसी के साथ आप ये देख रहे हैं यहाँ पर हमने 2 ड्रॉवर इसमें सेट किए, ये ड्रॉवर 6 इंच के हैं। और यहाँ पर हमने नीचे भी एक्स्ट्रा में एक ड्रॉवर इसमें सेट किया हुआ है, आप देख रहे हैं जैसे ही। और ये ड्रॉवर हमने यहाँ पर भी इसको 6 इंच का ही घेरा बनाया हुआ है, इसके सामने का पट्टी हमने 6 इंच का सेट किया हुआ है इसमें। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो हम स्लाइडिंग वार्डरोब बनाया हुआ है इसकी साइज पूरी हमने 8 फिट बाई 8 फिट रखी हुई है। और आप देख रहे हैं उसके दूसरे पोर्शन का हमने डिज़ाइन किस हिसाब से सेट किया है अंदर का, तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि हमने 1 फिट का खाना इसमें ऊपर गाला छोड़ा हुआ। उसी के साथ हमने 2 छोटे छोटे सेल्फ लगा के इसमें अलग अलग बॉक्स सेट किए हुए हैं। इसमें हमने यहाँ पर एक छोटी हैंगर रोड सेट की हुई है जिसमें आप चूड़ियाँ टांग सकते हैं जैसे आप देख रहे हैं। और ये सेल्फ के साथ यहाँ पर हमने लॉकर का पल्ला भी सेट किया हुआ है। उसी के साथ आप देख रहे हैं नीचे हमने इसे फोल्डिंग सेल्फ दिया हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं जैसे हमने इसमें ये रोज़ गोल्ड कलर के हैंडल सेट किए हैं, PVC ऑफ वाइट माइका इसमें लगाई हुई। उसी के साथ आप देख रहे हैं हमने इसके ऊपर ये टी प्रोफाइल 25 mm की टी प्रोफाइल से इसमें डिज़ाइनिंग की हुई है, वो भी रोज़ गोल्ड कलर की है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। आइए अब आपको दिखा देते हैं हम इसका बेड का साइड टेबल का डिज़ाइन हमने किया हुआ। जैसे आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर ये साइड टेबल सेट किया हुआ, इसमें ही हमने 8-8 इंच की 2 ड्रॉवर सेट की हुई हैं। उसका डिज़ाइन मैंने इस हिसाब से किया है कि देख सक रहे हैं आप, उसमें हैंडल की ज़रूरत नहीं है जिस हिसाब से हमने उसमें डिज़ाइन किया हुआ है। और अब आप देख रहे हैं जैसे ये बेड का हमने डिज़ाइन सेट किया हुआ है, इसमें पूरी ये वुडन और ऑफ वाइट PVC माइका से हमने डिज़ाइनिंग की हुई है बेड की भी। और आप देख पा रहे हैं जैसे हमने इसमें यहाँ पर सामने ये एक बड़ा ड्रॉवर सेट किया हुआ बेड के अंदर, ये देख रहे हैं इसमें आप काफ़ी बड़ा आइटम आसानी से रख सकते हैं। इस ड्रॉवर की साइड हमने 3 फिट बाई 5 फिट ये ड्रॉवर की साइज रखी हुई है। और इसका भी हमने डिज़ाइन ऐसे सेट किया हुआ है, इसमें भी हमें हैंडल की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी आसानी से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और उसी के साथ आप देख पा रहे हैं हमने इसका दूसरी तरफ का साइड टेबल का आपको डिज़ाइन देख रहे हैं, इसको भी हमने सेम साइज में ही बनाया है। तो दोस्तों अब आपको हम बेड की बैक का डिज़ाइन दिखा रहे हैं, जैसे हमने बैक वॉल पे जो डिज़ाइनिंग किया हुआ है आप देख पा रहे हैं, जैसे हमने ये PVC माइका और वुडन माइका के साथ कॉम्बिनेशन के साथ ही पूरा रूम डिज़ाइन किया हुआ है। उसी में आप देख रहे हैं हमने ये वॉलपेपर और बैक में 3 फीट हाइट तक इसमें कुशन किया हुआ है बेड की। और दोस्तों इस फुल रूम की साइज़ आपको बता देना चाह रहा हूँ, 18 फिट बाई 12 फिट का ये पूरा रूम की साइज़ है। उसमें हमने ये जो आप बेड देख रहे हैं इस बेड के गद्दे की साइज़ हमने रखी हुई है, 6 फिट बाई 6.5 फिट का इसमें गद्दा सेट किया हुआ है। और उसी के साथ सामने हमने ये छोटा एक LED यूनिट वाल पे सेट किया हुआ है रूम में, आप देख पा रहे हैं। और काफ़ी अच्छी साइज़ थी रूम की, इसलिए डिज़ाइनिंग भी हमने इसमें अच्छा सेट किया हुआ है। बढ़िया डिज़ाइनिंग के साथ ही आपको मैं पूरे रूम का डिज़ाइन दिखा दे रहा हूँ, जैसे रूम की साइज़ के हिसाब से हमने इसमें डिज़ाइन किया हुआ है। आप देख पा रहे हैं जैसे ड्रेसिंग वार्डरोब और बेड का हमने पूरा कंप्लीट बेडरूम का सेटअप किया हुआ है फर्नीचर का। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।